तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को पता है गरेना फ्री फायर ने अभी बांग्लादेश सर्वर को यहाँ पे नया बनाने का ट्राई किया, यानी कि अलग से यहाँ पे बांग्लादेश सर्वर ओपन कर रहा है, ठीक है। और गाइस यहाँ पे बहुत सारे बंदों ने यहाँ पे फ्री रिवॉर्ड्स के चक्कर में यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर दिया है, ठीक है। यानी गाइस यहाँ पे बहुत सारे बंदों ने, ज़्यादातर बंदों ने यहाँ पे स्काफ और गाइस यहाँ पे न्यू बैकपैक को लेने में यहाँ पे प्री रजिस्ट्रेशन कर दिया है। लेकिन गाइस यहाँ पे गरेना फ्री फायर ने इसके ऊपर रिप्लाई दे दिया है और गाइस यहाँ पे अगर आप लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन किया है तो गाइस यहाँ पे आप लोग का प्री रजिस्ट्रेशन कैसे कैंसिल होगा वो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को गरेना फ्री फायर की तरफ से जो बताया है वो बताऊँगा। तो गाइस यहाँ पे आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। और गाइस अगर आप लोग को भी आईडी अपनी बचाना चाहते हो तो भाई इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर ही वॉच करना, ठीक है। सो चले गाइस यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट कर दे बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो गाइस यहाँ पे कल गरेना फ्री फायर ने यहाँ पे 7 बजे कुछ आसपास यहाँ पे एक न्यू इवेंट लाया था जिसमें गाइस यहाँ पे लिखा था बांग्लादेश न्यू सर्वर, ठीक है। और गाइस उसके यहाँ पे गरेना फ्री फायर ने एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड्स भी दिए थे जिसमें गाइस यहाँ पे स्कार्फ और गाइस यहाँ पे बैकपैक शामिल था। और गाइस यहाँ पे ये बैकपैक और स्कार्फ के चक्कर में यहाँ पे मेरे जैसे बहुत सारे बंदों ने प्री रजिस्ट्रेशन कर दिया है, ठीक है। नॉर्मली गाइस हुआ था क्या, मैं अपनी एक न्यू आईडी में प्री रजिस्ट्रेशन किया था, वो मैंने जानबूझ के किया था, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे जैसे ही मैंने अपनी रियल वाली फेसबुक वाली आईडी से लॉगिन किया तो गाइस यहाँ पे गलती से जैसे इवेंट ओपन हुआ तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे बोले तो गरेना की भी गलती है कि भाई यहाँ पे उन लोगों को पहले से कुछ यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस डालने चाहिए थे हमारे फ्री फायर ने, बाद में गाइस ये जो हमारा न्यू इवेंट था बांग्लादेश सर्वर वाला वो लाना था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को पता है हर बार गरेना फ्री फायर ऐसे यहाँ पे इवेंट्स लाता है और गाइस जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती ही है, बाद में गाइस यहाँ पे गरेना को ट्वीट करके बोलना पड़ता है कि भाई ये करो वो करो अपना वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे इस बार भी गरेना फ्री फायर ने यहाँ पे अभी एक न्यू ट्वीट करके यहाँ पे बोल दिया है कि अगर आप लोगों ने बांग्लादेश सर्वर में प्री रजिस्ट्रेशन किया है तो आपके साथ क्या होगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे ये जो हमारा न्यू सर्वर हो रहा है बांग्लादेश सर्वर का, तो गाइस यहाँ पे उसमें बांग्लादेश वाले बंदों को यहाँ पे बहुत सारे न्यू एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स मिलेंगे, साथ ही में गाइस यहाँ पे उनके वहाँ अलग से इवेंट्स आएंगे, ठीक है। जैसे गाइस आप लोगों को पता है अभी इंडिया और बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान ये सारे सर्वर्स एक इंडिया में ही है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अब बांग्लादेश का अलग सर्वर हो रहा है, तो गाइस यहाँ पे जैसे इंडिया में इवेंट्स आती है वैसे ही यहाँ पे बांग्लादेश में नहीं आएगी, उससे कहीं ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे बांग्लादेश में आप लोग को इवेंट्स देखने को मिलेंगे। साथ ही में गाइस अगर आप लोग मैच मेकिंग करने जाओगे यानी कि गाइस अगर रैंडम प्लेयर्स के साथ खेलने जाओगे तो भी गाइस यहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश प्लेयर के साथ ही खेलोगे, यानी कि यहाँ पे ओवरऑल बोलो तो यहाँ पे बांग्लादेश सर्वर यहाँ पे बांग्लादेश प्लेयर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं गरेना फ्री फायर ने यहाँ पे बांग्लादेश सर्वर के ऊपर जिसने भी प्री रजिस्ट्रेशन किया है उनके लिए क्या बोला है। सो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो गरेना फ्री फायर ने यहाँ पे ट्वीट करके बोल दिया है कि अगर आप लोगों ने प्री रजिस्ट्रेशन किया है तो गाइस यहाँ पे घबराने की कोई भी बात नहीं है, गरेना फ्री फायर आपके आईडी के साथ कुछ नहीं करेगा और आपका जो मेन अकाउंट है वो यहाँ पे बांग्लादेश सर्वर के साथ ट्रांसफर नहीं होगा, ठीक है। और गाइस यहाँ पे आप लोग की यूआईडी को भी कुछ नहीं होगा यहाँ पे, मतलब कि आप लोग का ओवरऑल जो जिस सर्वर में यहाँ पे आप लोग की आईडी है उसी सर्वर में रहेगी। और गाइस यहाँ पे एक्साइटिंग जो यहाँ पे रिवॉर्ड्स है वो 90% आप लोग को मिल जाएंगे, अगर गाइस यहाँ पे आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया होगा तो स्कार्फ और बैकपैक आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन गाइस यहाँ पे जिस भी बंदे ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है भाई प्लीज़ रजिस्टर मत करना, ठीक है, गलती से भी मत करना भाई वरना पछता होगी। और गाइस यहाँ पे गरेना फ्री फायर ने बोला है कि आपकी आईडी अगर इंडिया में है तो इंडियन सर्वर में ही रहेगी, बांग्लादेश में है तो बांग्लादेश सर्वर में ही रहेगी। और बांग्लादेश प्लेयर्स के लिए ये कहा है कि गाइस यहाँ पे अगर आप लोग बांग्लादेश से खेल रहे हो तो इसको आप लोग याद से प्री रजिस्ट्रेशन कर देना जिससे हमें आपकी आईडी बांग्लादेश सर्वर में ऐड करने का पता चले, ठीक है। ऐसा गाइस यहाँ पे गरेना फ्री फायर ने यहाँ पे ट्वीट के द्वारा कहा है। और गाइस अगर आप लोगों ने भी गलती से भी प्री रजिस्ट्रेशन किया है तो गाइस टेंशन मत लेना, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे इस प्रकार से कुछ गरेना फ्री फायर ने ट्वीट करके किया था जो मैंने आप लोग को बता दिया है। सो आई होप मित्रों आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, तो मित्रों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को सबसे पहले लाइक करते जाना। और मित्रों अगर आप लोग को ऐसे हर एक इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया बिल्कुल भी मत जाना, क्योंकि जब मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाता रहता हूँ। तो बस मित्रों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।